मशगूल हूँ इस दुनियादारी में, पर दिल कहता मैं तो खाली हूँ, नहीं बाग मेरे न फूल मेरा, किस बात का मैं माली हूँ। न बंद हवा का झोंका, न बन सका मैं आंधी हूँ, मन में डरता रहता हूँ और चिल्लाता हूँ, मैं अन्ना हूँ, मैं गांधी हूँ। नहीं मैं कोई ज्ञान पुंज, न पूर्ण रूप से जाहिल हूँ, अपने पथ पर चलने वाला मैं पथिक, अपने आप में एक साहिल हूँ, अपने आप में एक साहिल हूँ। हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच उपेंद्र पांडे जी हैं, जो कि सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार में, और बड़े आदर के साथ मैं उनको बुलाता हूँ, वो आएँ अपना काव्य पाठ करें। मंदिर में गीता, मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। गद्दारों नारों में सुन लो, अफजल को गुरु बताया फिर तो, गद्दारों नारों में सुन लो, अफजल को गुरु बताया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। सौगंध शहीदों की चुन चुन कर। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां मैं किस तेवर में लिखता हूं, मेरी विधा क्या है, दमदार बनारसी जी के सम्मान में चाहता हूँ इतना श्रेष्ठ आयोजन के एक बार सम्मान में जोरदार तालियां। इन्होंने एक रात की मेहनत है, ये वाकई बहुत काबिले तारीफ मेहनत है, मैं इसको सम्मान करता हूँ। कि मेरे तेवर क्या है कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है, जुड़ जाइए, आज़ादी स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव है, कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे या भारत वर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोट कंठ जयगान है, आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है, आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। चार पंक्तियां, एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। अजय अंजाम जी बैठे हुए हैं इनके सानिध्य में, कि सबसे बड़ा सम्मान सैनिक का सम्मान परमवीर चक्र भी ओछा है। मैं पंक्तियां देता हूं, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, बड़े बड़े सम्मान, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जाल उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जाल उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट करने दे आराम क्या होगा, तिरंगा खुद लिपट करने दे आराम क्या होगा। चार पंक्तियां और, कि वतन के वास्ते ही तो वतन की इलाज रखते हैं, क्या है हमारा शौर्य, क्या है तेवर हमारा, कि वतन के वास्ते ही तो वतन की इलाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं, करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। -30 और -50 डिग्री टेम्परेचर पर भारत के बेटे जो सरहदों पर खड़े हैं, सियाचिन और गलवान में, मैं सीधे सीधे पंक्तियां देता हूं, हमें जरा सी ठंड लगती है हम अलाव जला लेते हैं, हमें जरा सी ठंड लगती है हम अलाव जला लेते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं। भारत के बेटे सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर और गलवान में -30 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं सरहदों की रक्षा के लिए, तब ही हम ये उत्सव और महोत्सव मना सकते हैं। याद कीजिएगा उन बेटों के शौर्य को, कि नज़र की ताप कैसे जो हम सरहद संभाले हैं, तालियां पहुंचनी चाहिए उन बेटों तक, कि नज़र की ताप कैसे जो हम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले।
घनत्व तो कमजोर है, मैं फिर से प्रयास करता हूँ कि नजर की ताप कैसी है जो हम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिसम पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं, जिसम पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं, और वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं। प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर पर राजस्थान में जो भारत के बेटे खड़े हुए हैं, चार पंक्तियां उनको भी सम्मान में, उनके सम्मान में भी पढ़ना चाहता हूं कि वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मर्दर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते हैं, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते हैं। समय के अपनी सीमा में एक कविता विशेष, भूमिका केवल इतनी है कि 2014 से पहले भारत की विदेश नीति कौन सी अपनाई जाती थी आप लोगों को पता होगी। मैं मूलतः श्रृंगार का कवि था, अजय अंजाम भैया श्रृंगार का कवि था मैं, लेकिन मैंने वीर रस कब लिखना शुरू किया, जब 8 जनवरी 2013 में हेमराज की गर्दन कटी, उस भारत के बेटे को याद कीजिए आज तक गर्दन प्रतीक्षा में है। मैं सीधे सीधे उस बेटे को याद करना चाहता हूँ कि लहू हमारा पीपी कर सरहद के जो पार खड़ा। 2013 से पहले आप लोगों को पता होगा विदेश नीति अपनाई जाती थी कौन सी बिरयानी खिलाने वाली, लेकिन 2014 के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी आए तो भारत की कौन सी विदेश नीति अपनाई गई। मैं सीधे सीधे वहीं से भूमिका बनाता हूं हेमराज से कि लहू हमारा पीपी कर सरहद के जो पार खड़ा, चार पंक्तियां हेमराज को याद कीजिए कि लहू हमारा पीपी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा। लहू हमारा पीपी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा, पूछ रही सैनिक की विधवा आंखों में अंगार भरा, पूछ रही सैनिक की विधवा आंखों में अंगार भरा, सिंहासन बतला दे मुझको क्यों मेरा श्रृंगार मरा, सिंहासन बतला दे मुझको क्यों मेरा श्रृंगार मरा, आवाज बहुत, सिंहासन बतला दे मुझको कि यह सुभाष का देश मेरा। मैं सीधे सीधे कविता प्रस्तुत करता हूं कि यह सुभाष का देश मेरा, यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं समर्थन कीजिएगा कि यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है, जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है, जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। हमको क्रोध बहुत आया जिस दिन सैनिक का सिर काटा, हमको क्रोध बहुत आया जिस दिन सैनिक का सिर काटा, आंखों में खून उतर आया जब दुश्मन ने मारा चाटा, सीमा पर सैनिक व्यग्र हुए लाहौर तलक बढ़ जाने को, बच्चा बच्चा तमतमा उठा दुश्मन को कच्चा खाने को, तब कड़े कदम की आशा थी हमको अपनी सरकार से, अफसोस मगर कुछ हो न सका उस सत्ता के सरदार से। मनमोहन सिंह की सरकार थी, अफसोस मगर कुछ हो न सका उस सत्ता के सरदार से, पी चुके खून के घूंट बहुत, पी चुके खून के घूंट बहुत, अब उनको रक्त पिलाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है। पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, कारगिल का युद्ध याद कीजिए, हमारा शौर्य, भारत के बेटों का बलिदान, कि पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, दबे पांव चोरों की तरह वह सीमा में घुसाई थी। पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, दबे पांव चोरों की तरह वह सीमा में घुसाई थी, भारत के वीर सपूतों ने तब रौद्र रूप को धारा था, भारत के वीर सपूतों ने तब रौद्र रूप को धारा था, भूखे शेरों से टूट पड़े बंकर में घुसकर मारा था। भूल गया ना लग, ताली अगर बचानी है तो ढंग से बजाइए आप लोग। भूखे शेरों से टूट पड़ा बंकर में घुसकर मारा था, भूल गया ना लायक वह दिन जब हमको ललकारा था, भूल गया नालायक वह दिन जब हमको ललकारा था, द्रास कारगिल तुरतुक में तब भगा भगा कर मारा था। पर जब दुश्मन पंजे में आया शेरों ने फिर से छोड़ा, पर जब दुश्मन पंजे में आया शेरों ने फिर से छोड़ा,
सीमा की शांत व्यवस्था को ना पाक पाक खुद ही तोड़ा, ना सूर बन गया अब दुश्मन, ना सूर बन गया अब दुश्मन, दुनिया से उसे मिटाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है मेरा, जब जब हमसे टकराया पाकिस्तान सदैव सोचता है कि कश्मीर हम भारत से छीन लेंगे। कश्मीर मात्र जमीन का टुकड़ा है, मैं उसे बताना चाहता हूं कश्मीर मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है। कश्मीर हमारे लिए क्या समर्थन कीजिएगा अगर मेरी भावना आपकी भावना के साथ में जुड़े। वो सोचता है कश्मीर जमीन का टुकड़ा है, मैं बताता हूं उसे कि जब जब हमसे टकराया है अंजाम हुआ क्या देखा है, जब जब हमसे टकराया है अंजाम हुआ क्या देखा है, मत लांग भस्म हो जाएगा सरहद ये लक्ष्मण रेखा है। और कश्मीर है मेरी पंचवटी, कश्मीर है मेरी पंचवटी, स्पष्ट बताकर जाऊंगा एक शीश के कटते ही 100 बार जन्म ले आऊंगा। एक शीश के कटते ही 100 बार जन्म ले आऊंगा, फिर वतन परस्ती के अंबर पर, फिर वतन परस्ती के अंबर पर 3 रंग लहराना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है। एक बयान आया था बिलाल भुट्टो को, वहां के विदेश मंत्री हैं, हम भारत से इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। आप लोगों को बयान याद होगा, भारत के से इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। उसे शायद ये पता नहीं कि काशी में भुट्टो का सीजन चल रहा है, शाम को 2-4 भुट्टे तो दमदार बनारसी ऐसे ही साफ कर लेते हैं, तो हमारा तो अकेला दमदार बनारसी काफी है। लेकिन उसने ये बयान दे दिया कि हम भारत से इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। आए दिन वहां से बयान आता है हम भारत से कश्मीर ले लेंगे। उसका बयान और मेरा अगर जवाब आप लोगों को अच्छा लगे तो सूचित कीजिएगा कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। हम मर्यादित इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। हम मर्यादित इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे, इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे, इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। और खेल खून का खेल खिलाना जुड़ जाइए भाई साहब कि इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। और खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं, सांप गले में शू को काटे ये उसकी औकात नहीं। बोलो बाबा विश्वनाथ की। सांप गले में शिव को काटे ये उसकी औकात नहीं। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, तालियां बजानी चाहिए, समर्थन आना चाहिए कि इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। काशी विश्वनाथ की धरा है, सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। अब गोली के बदले गोली या फिर एटम बम कर दो, हे प्रहरी अब आगे बढ़कर पेशावर भी कम कर दो। फिर मानचित्र शिमला समझौता उनको याद दिलाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है। और मेरा तो ये मानना है साहब, एक और बंदे सरसर से बंद में देता हूं कि मेरा तो ये मानना है 15 अगस्त 1947 में देश का बंटवारा जो हुआ, तो धर्म के आधार पर बंटवारा हो, मेरी अपनी पीड़ा है, मेरा तो ये मानना है कि भारत का बंटवारा ही नहीं होना चाहिए था। केवल 3 लोगों ने मिलकर बंद कमरे में बैठकर 55 करोड़ लोगों का मुकद्दर लिख दिया। प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जो उसके बाद विभीषिका हुई, भारत के बेटों का जो नरसंहार हुआ, महिलाओं का नरसंहार हुआ। मैं सीधे सीधे पंक्तियां देता हूं, अगर आप लोगों तक पहुंचे तो सूचित कीजिएगा कि तीन मूर्ति के चाचा और जिन्ना इकला हो रही थी,
कि तीन मूर्ति के चाचा और जिन्ना एक लाहौरी थे, देश बांटने की गाथा में एक जयचंद एक गौरी थे। कि तीन मूर्ति के चाचा और जिन्ना एक लाहौरी थे, देश बांटने की गाथा में एक जयचंद एक गौरी थे। इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर। देश के बड़े कवि सौरभ सुमन जी और अलंका जैन अंबर जी आ गए, इनके सम्मान में जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां लगना चाहिए, काशी विश्वनाथ की धरा है ये। आप लोग, अगर आप लोगों को लगे मेरा काव्य पाठ अगर सफल हो रहा हो तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे सूचित कीजिए। मैं अपने मन की वेदना में, मैं अपने मन का दर्द पढ़ना चाहता हूं भारत की विभीषिका। कि तीन मूर्ति के चाचा सौरभ जी, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मेरा ये मानना है भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। तीन लोगों ने मिलकर 55 करोड़ लोगों का मुकद्दर लिख दिया, 40 यहां के 15 वहां के। कि तीन मूर्ति के चाचा और मुस्लिम एक लाहौरी थे, तीन मूर्ति के चाचा और जिन्ना एक लाहौरी थे, देश बांटने की गाथा में एक जयचंद एक गौरी थे। इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर। तीसरे व्यक्ति नाम नहीं ले सकता मैं। कि इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर, देश सहजी बांट दिया बस उनके एक इशारे पर। बस एक शर्त तुम रख देते बंटवारा ना फिर हो पाता, हिंसा के बाजार खड़ा मेरे देश कभी ना शर्माता। कह देते उन दोनों से बस, जो सारी जिंदगी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे, कहते रहे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, मेरी पूरी भारत माता बट गई और आपने सहज ही देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। तब मैं कलम उठाता और खुददारी से लिखता हूं, हम वो लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी माता सीता को वनवास छोड़ने के लिए आज भी दोषी मानते हैं। तब कहता हूं कोई भी व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा हो जाए, बात अगर पहुंचे तो आशीष दीजिएगा, कि कोई भी व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा हो जाए पर अपनी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। कि तीन मूर्ति के चाचा और जिन्ना एक लाहौरी थे, देश बांटने की गाथा में एक जयचंद एक गौरी थे। इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर, देश सहज ही बांट दिया बस उनके एक इशारे पर। बस एक शर्त तुम रख देते बंटवारा ना फिर हो पाता, हिंसा के बाजार खड़ा मेरा देश कभी ना शर्माता। कह देते उन दोनों से बस, पहले शीश काट देना। जीते जी मैं कर ना सकूंगा फिर चाहे देश बांट लेना। अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें एक महान विभूति को बुलाना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन चाहता हूं। कि जीते जी मैं कर न सकूंगा फिर चाहे देश बांट लेना। अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें, शमशानों से आना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है। मातृशक्ति बैठी है, मैं सीधे सीधे अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं। नमन करता हूं मातृशक्ति को कि इतिहास साक्षी है, दुनिया में भारत का कोई मेल नहीं। इतिहास साक्षी भाऊजी, मातृभूमि के लिए स्वयं सर अर्पण करना खेल नहीं। इस देश की माटी के अंदर कुछ ऐसी ही तासीर है। धन्य धन्य वो माताएं जो जनती केवल वीर है। बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे सपने में मिले, नहीं मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था, बस मैं केवल इतना भूमिका रखना चाह रहा था। दिल्ली में रहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे मिले, मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आए दिन पाकिस्तान बदतमीजियां करता रहता है, आप उसका समुचित उत्तर क्यों नहीं देते। दमदार भाई मोदी जी से मैंने प्रश्न किया, आए दिन पाकिस्तान बदतमीजियां करता रहता है उसका समुचित उत्तर क्यों नहीं देते। मैंने प्रश्न किया और उनका क्या जवाब आया, बस इसी पे अंतिम दो पंक्तियां देकर मैं विदा लेता हूं। मेरा प्रश्न कि बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाएं। मेरा प्रश्न था बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाएं,
पांच जवानों के बदले हजारों दुश्मन कट जाएं और सौवी गाली देने पर मैंने प्रश्न किया और उनका जवाब सुनिए कि बस एक इशारा अब कर दो फौजी सरहद पर डट जाएं, पांच शहीदों के बदले हजारों दुश्मन कट जाएं, सौवी गाली देने पर शिशुपाल वहीं अब कट जाएगा। उनका जवाब कि सौवी गाली देने पर शिशुपाल वहीं अब कट जाएगा, गिनती पूरी होते ही लाहौर तलक बट जाएगा। गिनती पूरी होते ही लाहौर तलक बढ़ जाएगा, फिर हर हर महादेव का नारा, फिर हर हर महादेव का नारा, सिंधु पार लगाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है मेरा। बोला भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत।